Assalamualaikum my YouTube family. आज हमारे किचन में बन रही है पास्ती ऑनियन टैटर्स और चीज़ के साथ. आपको मैं पास्ती बनाना बताऊंगी. और ये इसके लिए हमें पास्ती शीट चाहिए, ये 3 टीस्पून चाट मसाला चाहिए, हाफ टी स्पून हमें आमचूर चाहिए, 1 टीस्पून वाइट जीरा चाहिए और 3 टीस्पून ब्लैक पेपर चाहिए और पिंच जो हमें है ब्लैक साल्ट चाहिए और बाकी सॉल्ट आप ऐड टेस्ट कर लें. और इसके अलावा ये हमें ये चीज़ में डालने लगी, आप जो भी चीज़ डालना चाहें तो वही चीज़ आप जो पसंद करते हैं वो डालें. तो ये लाइटर मैच्योर में डालने लगी हूँ इसमें. और चलें इसको पहले मिक्सअप, ये जो है इसके आपको पोटैटो मैंने बताए 2 पोटैटोज़ हैं और इनको मैंने मैश कर लिया है और 1 जो है चॉप्ड ऑनियन है ये मैंने चॉप करके ऐसे रख दिए हैं. अब मैं इसके अंदर ये सारे मसाले डालूंगी, डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूंगी. ऐसे करके इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है एक ताकि सारे मिक्स हो जाए मसाले इन पोटैटोज के अंदर. और इसमें मैं कोई रेड चिली नहीं डाल रही हूँ, चाट मसाला डाल दिया है और सॉल्ट क्योंकि चाट मसाले में भी होता है तो इसलिए जो है ना आप ध्यान रखना कि ज़्यादा सॉल्ट ना हो जाए. मैंने तो कोई सॉल्ट नहीं डाला, वो पिंक जो डाला है पिंक सॉल्ट वही है तो जिसको आप ब्लैक सॉल्ट भी कहते हैं कुछ लोग और पिंक सॉल्ट, ये सारा मैं इसमें के अंदर मिक्स कर लूँगी. ये हाथ धो के मैंने मिक्सअप सारी कर ली है, हाथों से किया ही सही ताकि इसके अंदर सारा मसाला चला जाए. और अब मैं इसके अंदर जो चीज़ है तकरीबन ये है 100 ग्राम होगी या 50 ग्राम होगी, इतनी जितनी आप चीज़ पसंद करते हैं डाल दें. ये मैं सारी डाल रही हूँ तकरीबन 100 ग्राम होगी. अब मैं इसको दोबारा हाथों से मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से. ऐसे करके चीज़ डाल के मिक्स कर लिए हैं. इसको अगर ये इससे नहीं होती तो आपको जो है हाथों से कर लें, हाथ धो के और हाथ से मिक्स कर लें. ये आप देखें एक जैसी सारी मिक्स हो गई है. अब मैं इसको मिक्स हो गई है. ये अब मैंने सारी इस तरह से पीसेस कर लिए हैं. अब मैं इधर से एक पीस उठाऊंगी, यहाँ से ग्लव्स पहन लिए हैं, ये पीस मैंने उठाया और उसके बाद ये स्कूप मैंने ले ली है जो करके इसके अंदर ऐसे करके इसको रखना है. अब आपकी मर्जी है कि आप इसको ये वाली शेप देना चाहते हैं तो यूँ करके यहाँ से प्रेस कर लें और ये वाली शेप दे दें. और अगर ये वाली आप नहीं, मैं छोटी सी बना रही हूँ कि हम इसको स्नैक्स के तौर पे खाते हैं तो फिर इसलिए मैं ये छोटी छोटी बना रही हूँ. इस तक ये इसलिए इसका साइज़ मैंने छोटा रखा है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बड़ा साइज़ भी रख सकते हैं. ऐसे करके इसको बनाना है और उसके बाद इसको मैंने ऐसे करके फोक से ऐसे बंद कर देना है. ये इसी तरह मैंने सारी बना दी नहीं है, इसी शेप में ये सारी बना के मैं रखती जाऊंगी. और जो है मैं आपको एक और करके बताती हूँ. अब मैं आपको दूसरी शेप में बता रही हूँ करना. ये इसको थोड़ा सा फैला लूँ और अब इसके बाद इसमें ये थोड़ा सा इतनी सी रखी जितनी इसके अंदर आएगी ऐसे. और अब मैं इसको ऐसे करके बंद करूँगी इस शेप में ऐसे. इसको दबालूंगी इधर से भी फिर इसको ये फोक के साथ ऐसे करके मैंने इसकी अब ये शेप बन गई है. यूजुअली मैं ये वाली शेप बनाती हूँ लेकिन मेरी एक फ्रेंड जो है वो शेप मैंने बनाई है. वैसे मैं ये वाली शेप्स बनाती हूँ और मैं मेरे ख्याल से यही शेप बनाऊँ जो बनाती हूँ. तो अब मैं इसी तरह करके आप जो भी आप शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं. इसके अलावा अगर आप पूरी में उसमें रख के रोल करके काटना चाहते हैं वो भी आप काट सकते हैं. तो जिस तरह भी आप पसंद करते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं. तो ये मैं आपको एक और दिखा देती हूँ. ये इजी है. ऐसे करके इधर से बंद करो, बंद करके और इसको
कि बच्चे स्नैक्स में खाते हैं, हम मैं तो हस्बैंड भी लाइक करते हैं संडे को, क्योंकि लेट हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो यूजुअली हम ये चीज़ें जो है संडे को डे टाइम हम ये खाते हैं। ये देखें ये वाली, तो ये मैं इस तरह करके यहाँ पे सारी रखती जाऊँगी और आपको मैं रेडी करके बताती हूँ। मैं कुछ की आपको जो है ना एप्पल पाई बनानी भी सिखाती हूँ। ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन 4 टेबल स्पून, और छोटा हाफ एप्पल है, और ये जो सिनेमन पाउडर है, ये पिंच है, ये भी इसके अंदर डाली है, और शुगर भी इसके अंदर मैंने डाल दी है, तकरीबन ऐड टू टेस्ट आप डाल दें। और इसको थोड़ा सा इसमें पका लूँगी और फिर इनको ठंडा करके आपको मैं एप्पल पाई बनानी भी सिखाऊंगी। ये अब थोड़े जब सॉफ्ट हो जाएंगे फिर इनको बंद करेंगे, इनको ठंडा करेंगे, फिर आपको एप्पल पाई की भी मैं बताऊंगी। एप्पल पाई में बस इसी तरह इसमें पिंच से आपने सिनेमन पाउडर डालनी है, जितनी आपने बनानी है उस हिसाब से आप एप्पल कर लें, क्योंकि मैं आपको एक रेसिपी में दो रेसिपीज दे रही हूँ। एक तो आपको वो पास्ती है चीज़, ऑनियन एंड पोटैटोज, और साथ ये एप्पल पाई भी बता रही हूँ। और जो है अभी इसको हम सॉफ्ट होने तक करते हैं, फिर इसको ठंडा करके नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये ऐसे हो जाएगा, सारा इसका जो वाटर डाला था मैंने इसके एप्पल्स के बीच में से भी वाटर निकलता है, ड्रेन होता है, इस वजह से मैंने आपको सिर्फ 4 स्पून बताई थी। ये सारा अब जो एप्पल्स है ये रेडी हो गए हैं, तो ये अब मैं इनको सारा ड्राई कर लूँगी, और इसमें शुगर भी है और ये थोड़ी स्टिकी स्टिकी भी हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये मैंने सारी बना दी है, एक शीट की ये बनी है, 4 ये लेफ्ट है जो आपको मैंने एप्पल के पाई के लिए बतानी है। अब ये सारे बंद करके इसके बाद ये इस तरह करके फोर्क के निशान लगा रहे ताकि ये अंदर से फिर पक जाएंगी। अब मैं इनको एयर फ्राई में रखूंगी, और आप इनको ओवन में रखना, ये फ्राई नहीं करनी है कस्ते, क्यों आपको पता होगा इनको हमेशा ओवन में बनाते हैं। तो मैं इन सबको तो अभी कुछ इसको मैं अभी हम अपने लिए बनाएंगे और आपको भी बना के दिखाएंगे एयर फ्रायर में। तो आप इसको ओवन में भी रख सकते हैं और एयर फ्रायर में भी रख सकते हैं, दोनों में रख सकते हैं। ये देखें ये लेफ्ट ओवर हो गया, इसके कल हम बनाएंगे पराठे, तो जो अगर आपके पास बच जाए उसके पराठे बना ले, मैंने ज़्यादा किए थे इसीलिए कि कल हम इसके पराठे बनाएंगे इस नाश्ते में इंशाल्लाह। और चले अब हम एप्पल ठंडे हों तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं एप्पल पाई का। ये हमारे एप्पल रेडी हो गए हैं, और ये अब देखें इस तरह से होने चाहिए, बिल्कुल इसका पानी बिल्कुल ख़त्म है, थोड़ा थोड़ा इसमें चाशनी है। ये हम इसको एक एक चम्मच करके इन सब में डाल देंगे, वो वाले हमने ओवन में रख दी है बनने के लिए, फिर उसके बाद ये बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा टेस्ट है, ये मैंने टेस्ट किए हैं, जैसे मैकडोनल्ड की एप्पल पाई होती है ना, सेम हो ये। लेकिन वो फ्राई करते हैं, हम इनको फ्राई नहीं करेंगे, हम इनको बेक करेंगे या हम इनको ओवन में बेक करेंगे। इसमें इनको मैं बेक करूंगी एयर फ्रायर में, जैसे मैंने आपको बताया, और इसका टेस्ट बिल्कुल सेम वही है। तो सबको हम ऐसे करके उसी तरह से हमने इनको बंद कर लेना है, छोटी छोटी, इनका साइज आपकी मर्जी है कैसे कितना रखें। तो मैंने ये वाला साइज रखा है, ये करके इनको ऐसे करके बंद करके सारों को ऐसे बंद कर देना है। ये भी हम बनाएंगे इनको भी, और जो है बाकी कुछ मैंने रख दी हैं उसमें खाने के लिए, और आपको भी रेडी करके डिश आउट करके बताऊंगी, और कुछ हमने जो है फ्रीज़र में रख दिए क्योंकि सारी अभी वो भी नहीं खाई जाएगी। तो लेकिन मैं गट्ठी तीन जो शीट है ले आती हूँ और बना देती हूँ, लेकिन आज जो है वो मेरे पास एक ही थी फ्रिज में, तो वो मैंने एक ही बनाई है। अच्छा होता है कि 2-3 शीट्स ला के इकट्ठी करके बना के फ्रीजर रखते, बच्चे एयर फ्रायर में डाल के इजीली जो है वो बना सकते हैं। सेम उसी तरह मैंने इसके भी ये करने हैं, इस तरह करके बंद कर लेने हैं। ये मैंने आपको अंडा लगाना ऊपर बताना भूल गई हूँ, ये सब के ऊपर, उनके ऊपर भी, वेजिटेबल वाली के ऊपर भी मैंने अंडा लगा दिया है, और इनके अंदर भी अंडा लगाऊंगी, और फिर मैं इनको उसके एयर फ्रायर के अंदर रख दूंगी। आपकी मर्जी, आप ओवन में रखते हैं या एयर फ्रायर में रखते हैं। इन सब में मैंने एग जो है बीट करके रखा है, एक ये सारा रखेंगी, इससे आपका कलर जो है वो रेड, अच्छा रेड आएगा। ये मैंने डिश आउट कर दिया, अब इसमें कास्टर्ड शुगर ऐसे करके, ये एप्पल वाली पाई पे ये कास्टर्ड शुगर ऐसे करके, आप जो है आपके पास नहीं है तो खुद इसको आप बना सकते हैं घर भी, और ऐसे करके इसके ऊपर मैंने ये डाल दिए हैं।
ये हमारी पास्ती रेडी हो गई। ये एक डिफरेंट शेप की है, ये बाकी मैंने इस शेप की बनाई है और ये डिश आउट मैंने कर दी है। ये चिली सॉस साथ है और ये जो मैंने एप्पल पाई बनाई है ये वो है। तो ये हमने एक रेसिपी मैंने आपको दो चीज़ें स्वीट भी और जो है दूसरी भी बता दी हैं। तो अगर आपको ये पसंद आए तो इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।